अवामी सलामती कमेटी का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक्काकड़ आज रात पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस पर तफसीलात जान लेते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, बताएगा इस इजलास में किन किन अमूर पर बातचीत होगी? जी देखें, ये एजेंडा तो इसका अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदा सूरत हाल है, इसके हवाले से कल कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास बुलाया गया है और वजीर आजम इस इजलास की सदारत करेंगे, क्योंकि वजीर आजम अभी डिवोर्स में है और आज रात को वो वहां से रवाना होंगे और सुबह जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद तो यही की जा रही है कि कल दोपहर के बाद जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, जिसमें तमाम सर्विस चीफ जो है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो कमेटी के मेंबर हैं, जिसमें 4-5 वफाकी वज़रा हैं, वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो हालिया सूरत हाल है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और खासकर जो पाकिस्तान ने आज जवाबी कार्रवाई की है इसके बारे में भी कौमी सलामती कमेटी के मामला में ये जायजा इसका लिया जाएगा और इसके मजमरात जो है उसका भी जायजा लिया जाएगा। और इसके अलावा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले भी, अमन अमान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी तमाम तफसीलात जो है वो कमेटी के इजलास में डिस्कस होंगी। जी सही खालिद, आपका बहुत शुक्रिया।